नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक सनोडिया और मैं आपके अपने ऑर्गेनिक गार्डनिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में पौधे की रिपोर्टिंग से संबंधित कुछ संकेतों के बारे में आपको जानकारी दी थी, जिनके दिखाई देने पर हमें हमारे पौधे को जल्द से जल्द रिपोर्ट करना चाहिए। आज के हमारे वीडियो में हम आपको एक बड़े पौधे को रिपोर्ट करके दिखाने वाले हैं। किसी भी पौधे को रिपोर्ट करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें किस प्रकार से हमारे पौधे को रिपोर्ट करना चाहिए, इसका आंसर आपको आज के हमारी इस वीडियो में मिल जाएगा। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। इससे पहले कि हम अपने इस नींबू के प्लांट को रिपोर्ट करें, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे इस पौधे में वो तीनों संकेत हैं जिनके दिखने पर हमें इसे रिपोर्ट करना चाहिए। सबसे पहला संकेत है कि इसका जो कंटेनर है वो क्रैक हो चुका है, आप देख पा रहे हैं, ये क्रैक का निशान आपको दिख रहा है। दूसरा है, इसकी जो जड़ें हैं वो भी सरफेस में आ चुकी है, आप देख रहे हैं इसकी जो रूट्स है वो बाउंड होकर ऊपर की सरफेस में आ गई है। और तीसरा संकेत है कि इसकी जो सॉइल है वो बार बार ड्राई हो रही है, मैं इस पर बार बार वाटरिंग करता हूँ लेकिन ये हर बार ड्राई हो जाती है। इन सभी चीज़ों के कारण हमारे पौधे की ग्रोथ लगभग रुक सी गई है। आज हम इस पौधे को नए कंटेनर में रिपोर्ट करेंगे ताकि ये वापस से अपनी ग्रोथ में आ सके। तो इसके लिए सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि हमें एक कंटेनर का सिलेक्शन करना है। कंटेनर का साइज़ हमारे पुराने कंटेनर के साइज़ से बड़ा होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा कंटेनर हमने लिया हुआ है ये 18 इंच का है और इससे पहले हमारा पौधा 15 इंच के पॉट में लगा हुआ था। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमने जो भी कंटेनर लिया हो उसके नीचे की तरफ सही आकार के ड्रेनेज होल बने हों, ताकि हम जब भी वाटरिंग करें और अगर वो वाटरिंग हमसे गलती से ज़्यादा हो जाए तो इनकी सहायता से एक्सेस पानी या एक्सेस वाटर यहाँ से बाहर निकल जाए। इसके साथ ही हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि हम ये जो प्रोसेस करें वो सुबह के समय ही करें, ताकि अधिक गर्मी से हमारा पौधा सनस्ट्रोक का शिकार होकर मुरझाए नहीं। सही आकार के कंटेनर को लेने के साथ ही हमें हमारे पौधे में उपयोग होने वाली सॉइल का मिक्सचर भी पहले से तैयार कर कर रख लेना चाहिए। हमने इस प्रकार की परफेक्ट सॉइल को तैयार करने का तरीका हमारे पहले वीडियो में बताया है, हमने उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के अंत में डाली है। आप भी चाहें तो उसे देखकर इस प्रकार की परफेक्ट सॉइल को अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार की सॉइल को तैयार करने के बाद हमें उसमें कुछ मात्रा में ऑर्गेनिक कंपोस्ट को मिला लेना चाहिए। सॉइल को उपयोग करने से पहले उसमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट मिलाने से उसमें सारे पोषक तत्वों की मात्रा भरपूर हो जाती है और हमारा जो भी पौधा हम इसमें लगाते हैं उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे प्रकार से होने लग जाती है। तो आप भी इस प्रकार की ऑर्गेनिक कंपोस्ट को कुछ मात्रा में लेकर अपनी सॉइल के साथ में अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। इसके बाद में हमारे कंटेनर के नीचे की तरफ जो ड्रेनेज होल बने हुए हैं हमें इसे किसी चीज़ से ढकना होगा। इसके लिए आप चाहें तो स्टोन या पेपर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास में ये कोको कॉइल है, इसकी सहायता से मैं इस होल को ढक दूंगा ताकि जब भी हम इसमें वाटरिंग करें तो जो मिट्टी है या हमारी सॉइल है वो यहाँ से बाहर होकर बहे ना। तो हमें इसे अच्छी तरीके से ढक देना है। इसे ढकने के बाद में अब हमें इसके ऊपर सॉइल की एक लेयर डाल देनी है। तो आप देखिए कि ये सॉइल की लेयर हमें किस प्रकार से डालनी है। कुछ सॉइल लेकर हमें इस कोको कॉइल के ऊपर डाल देना है और आप मान के चलिए कि लगभग इस कंटेनर का 10% हिस्सा हमें सॉइल लेकर ढक देना है। अब इसके बाद हम हमारे पौधे को पुराने कंटेनर से निकाल लेंगे। अगर आपका कंटेनर भी सही हो और आप उसे वापस से यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से किसी टूल की सहायता से उसके चारों ओर की सॉइल को थोड़ा थोड़ा खोद लें और पौधे को आसानी से बाहर निकाल लें। पर आप देख सकते हैं कि हमारे कंटेनर में क्रैक है और हम इसे वापस से यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इस कंटेनर को तोड़कर हमारे पौधे को बाहर निकाल लेंगे। पौधे को पुराने पॉट से निकालने के बाद में अब हमें किसी टूल की सहायता से इसके आसपास की सॉइल को हल्का हल्का निकाल लेना है ताकि इसकी जो रूट्स हैं वो थोड़ा लूज हो सकें। पौधे की चारों तरफ की सॉइल को हल्का हल्का साफ करने के बाद में अब हमें ऐसी रूट्स को काट कर अलग करना है जो कि हमारे पॉट के सरफेस में आ गई थी। तो आप इस प्रकार की रूट को किसी कटर की सहायता से काट कर पौधे से अलग कर लें।
इसके बाद में पौधे को उठाएं और बहुत सावधानी से नए कंटेनर के बीचों बीच रख कर अब जो खाली गैप बच रहा है उसमें चारों तरफ से सॉइल को भर लें। इस प्रकार से सॉइल को लेकर हमें पौधे के चारों तरफ जो भी खाली गैप कंटेनर में बच रहा है उसे अच्छी तरीके से फिल कर देना है। सॉइल को हमारे कंटेनर के चारों तरफ अच्छी तरीके से फिल करने के बाद में अब हमें हमारे पौधे की कुछ ब्रांचेस को काटकर अलग कर लेना है या उसकी प्रूनिंग कर लेना है। इस प्रकार से पौधे के कुछ ब्रांचेस को अगर हम काटकर अलग कर देते हैं तो उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, साथ में जो नई ब्रांचेस आती हैं वो बहुत अच्छी होती है और उनमें फ्रूट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप जब भी रिपोटिंग करें इस प्रकार से कुछ ब्रांचेस को काटकर अलग ज़रूर कर लें। इस प्रकार से पौधे की कुछ ब्रांचेस को काटकर अलग करने के बाद अब हमें हमारे पौधे में अच्छी तरीके से वाटरिंग कर देनी है। हमें हमारे पौधे में तब तक वाटरिंग करनी है जब तक कि नीचे के ड्रेनेज होल से पानी बाहर नहीं आने लग जाता। जब पानी ड्रेनेज होल से बाहर आने लग जाए तब उसमें वाटरिंग करना बंद कर दें। अब हमारे पौधे की रिपोटिंग पूरी तरीके से हो गई है। अब हमें इसे लगभग एक हफ्तों के लिए किसी शेड वाले स्थान पर रखना है ताकि इसकी ग्रोथ अच्छे से हो जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमने आज की वीडियो में आपको एक बहुत बड़े प्लांट को रिपोर्ट करने का सही तरीका बताया है। आपको अगर आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।